अलहमदिल्ला वा शरीर वसलात वालमल नबी अबादा पारा नंबर पाँच इसमें एक मसला बयान फ़रमाया है कि मर्द को अल्लाह तत पर फजीलत दी है यानी फितरत के अतबार से अपनी तबियत के अतबार से मर्द औरत पर मुकदम और अफसल है और उसकी बुनियादी दो वजहें कुरान करीब ने बयान फरमाई नंबर एक मर्द के जिम्मे औरत के अखराज हैं औरत के तमाम मसारे बर्दाश करना है खर्च करना है नंबर दो फितरत और तबीयत तकवीनी निज़ाम ऐसा है कि मर्द को अल्लाह ताला ने औरत और फजीलात दी है ये बात याद रख लें ये आम मर्द और और औरत के अतबार जबता है लेकिन बाज़ ख़वात फजल में या कभी जिस्मानी क़ोत और ताक़त में कोई ख़ास ख़ातून किसी मर से आगे निकल जाए तो उससे ज़ाबते तब्दील नहीं होते अमूमन एक माहौल ये बयान फरमाया है मैं इसका मिसाल देता हूँ कि जिस तरह शहर में रहने वाला देहात में रहने वाले से आम तौर पर मामलात के अतबार से या तालीम के अतबार से बहुत आगे होता है लेकिन बस अवकात एक देहा में रहने वाला बंदा इल्म हासिल करके शहर वालों से बहुत आगे निकल जाता है तो एक होता है अमूमी निज़ाम एक होता है ख़ास किसी बंदे की फजीलत वो बिल्कुल अलग चीज़ है तो दोबारा फ़ितरत के अतबार से मर्द को अल्लाह ताला ने औरत पर फ़ोयियत अज़मत और फजीलत अता फरमाई है नंबर दो यहाँ तहारत के मसाइल बयान फरमाए हैं मसला वज़ू भी करना है जब नमाज़ पढ़नी हो कुरान करीम को हाथ लगाना हो या कोई ऐसा मसला जहाँ तहारत की ज़रूरत हो तो, तो वज़ू करना है और बाज हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर गसल करना फ़र्ज़ होता है आदमी को अहतलाम हो जाए अपनी आहलिया के पास जाए तो गसल जनाबत जिसे कहते हैं औरत हज़नफात है से पाक हो तो इन हालत में गसल भी करना होता है तो तहारत के मसाइल भी इस बारे के अंदर बयान फरमाए हैं और एक अहम बात अल्लाह तूरी ज़िंदगी में शरीय पर अमल करने के हवाले से ये बात इर्शात फरमाई है नंबर एक अल्लाह की इतात करो अल्लाह ताला की बात मानो और फिर उसके रसूल की बात मानो और फिर फकाहा की बात मानो ये तीन बातें क्यों फरमाई हैं नंबर एक अल्लाह तो खालिक और मालिक हैं मखलूक और ममलूक ने बात माननी है लेकिन दुनिया में इस कान से अल्लाह की बात सुन नहीं सकते इस आँख से अल्लाह की ज़ात को देख नहीं सकते तो अल्लाह की ज़ात को देखें या बात सुनेंगे सुनेंगे तो बात मानेंगे उसके लिए ज़रूरी है अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक वास्ता हो और वो वास्ता है पैगंबर का वो अल्लाह ताला की बात को सुनते हैं कोई बराए रास कोई जिब्राइल किसी के दर में अल्लाह ताला इल्का फरमाते हैं और फिर हमारे पैगंबर पाक अरबी हैं हम अजमी हैं अरबी नहीं जानते और कोई अरबी समय समझता हो तो क़ुरान और सुन्नत की तह तक नहीं पहुँच सकता और फिर वो नबी की बात कैसे माने उसके लिए फिर मैक फा की बात मानूँ यानी फुहार नबी ही की बात की तशरी और वजाहत करते हैं अल्लाह ताला की बात को क़ुरान कहते हैं पैगंबर की बात को हदीस कहते हैं फ़ाहा की बात को फ़िका कहते हैं तो गोया अल्लाह ताला ने यहाँ कुरान करीम हदीस मुबारक और फिका, अल्लाह ताला, मुस्तफा और फ़ाहा तीनों को मानने का हुक्म दिया है फिर अल्लाह ताली ने एक और मसला अहम बयान फरमाया क्या सुरत में ये बात फ़रमाई कि मुझसे दुआ मांगो ए दिन सरातलमस्तकीम ए अल्लाह हमको सरत मुस्तकीम पर चला सरात मुस्तकीम क्या है सरातल अन तालीम यानी जिन पर आपने इनाम फ़रमाया उनके रास्ते पर चला जिन पर अल्लाह इनाम फ़रमाया वो कौन है उसका तस्करा पाँचवें पारे में है वह चार किस्म के तबक़ नंबर एक अनबीन नंबर दो सद्दीक साहब कराम रज़ी अजमाइन नंबर तीन शुहदा नंबर चार अलिया पहली बात अम्बिया की बात मानूँ हर इलाके में नबी नहीं सहबी के नक्शे का दम पर चलो हर इलाके में सबी नहीं शहीद के नक्शे पढ़ कर चलो शहीद जहर शहादत के बाद हमारी बात को सुन भी ले तो बताएगा कैसे रहनुमाई कैसे करेगा फिर मैं अलिया के नक्शे का दम पर चलो गोया के जिन पर अल्लाह ने इनाम फ़रमाया वो चार किस्म के लोग हैं और हमें चारों के नक्शे कदम पर चलने का हुक्म दिया गया है लिहाजा नबी के रास्ते पर भी चलना है साहबा को भी थामना है शहदा से भी करीब रहना है और अलियाई उम्मत को हरगज नहीं छोड़ना हमने इन चारों की इतबा करनी है नक्शे कदम पर चलना है फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने कत्ल के अकाम बयान फरमाए कोई जानबूझ के कतल करे तो उसकी सज़ा क्या है भूल से कत्ल हो जाए चूक हो जाए कतल खता, तो इसका इसकी सज़ा क्या है कत्ल आमद कतल खता, तय कब होती है फिदिया कितना होता है तो ये अहकाम अल्लाह ताला ने ताँचवें पारे के अंदर बयान फरमाए फिर इस पारे में अल्लाह ताला ने आम नमाजों का जिक्र तो फरमाया कि नमाज़ पढ़नी है तो तहारत करो नमाज़ के इरादा हो तो खुद पाक करो और बतौर ख़ास दो नमाज़ों का जिक्र फ़रमाया एक नमाज असलातुलौफ़ जब मैं जंग में हूँ खौफ सवार हो यानी सारे नमाज़ पढ़ते हैं दुश्मन अकबर हमला न कर दे तो वहाँ कैसे नमाज़ पढ़नी है? इसी कहते हैं सलातलखफ़ और फिर नमाज़ों में से बतौर ख़ास बसलातस् असर की नमाज का जिक्र फ़रमाया क्योंकि ये कारोबार का वक्त है मशगोलीत का वक्त है अमूमा इस वक्त में ज़रा मस्जिद की तरफ़ जाना एक ताजर के लिए मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर बतौर ख़ास असर की नमाज़ का जिक्र भी फरमाया और अल्लाह ताली ने फिर मुनाफिकीन की हालत बयान फरमाई है कि मुनाफिकीन ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं दरमियाने बेचारे फंसे पड़े होते हैं कहीं दीन में फ़ायदा देखा तो उधर लपक गए कहीं दुनियादारों फ़ायदा देखा तो उधर चले गए अल्लाह के नबी की बात मानने में दुनिया की गरज देखी तो वहाँ दौड़ गए और जब वहाँ दुनिया का नुकसान जरा तो उनको छोड़ गए ये मुनाफिक की हालत है मजहब जबी अब नाल ला अला उला वला अला उलाय तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए मुसलमान को पक्का एक मौक़ पर रहना चाहिए नफ़े नुक़सान का मालिक अल्लाह है दुनिया में कभी बज़ाहिर नफ़ा भी होता है कभी बज़ाहिर नुकसान भी होता है असल नफ़ा नुकसान आख़रत का है और सबसे आखिर में पाँचवें पारे में अल्ल त्यारी बात है फरमाई मा या फ़ार्बाज़ाब इन शक्कर तुम बमन देखो अगर तुम्हारा अकीदा ठीक हो अल्लाह की नमत का शिक्र करो अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देखा मालूम हुआ अल्लाह ताली के अहब से बचने के लिए बुनियादी तौर पर दो बातें बहुत अहम हैं नंबर एक अकायद का ठीक होना नंबर दो अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना अकीदा नहीं तमाम अकायद का ठीक होना ज़रूरी है अल्लाह हमें हमारे अक़ायद भी ठीक फरमा दे अल्लाह ताला अपनी नेमतों पर हमें शुक्र करने की अता फ़रमाए व आखिर दावा रब्बिल आलमीन